ऑलराइट हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक सैनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वीवूज ऑटो व्लॉग्स। आज फाइनली सी वीक लॉन्च हो गई है, चांसेस है कि मैं इसको कल को भी डालूं वीडियो को, सो अगर कल आ रही तो समझ जाना। पेट्रोल इंजन है, IVTEC 1.8 लीटर का इंजन है एंड इट इज प्रोड्यूसिंग 141 PS ऑफ पावर 170 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। जो डीजल इंजन है वो आपको 1.6 लीटर में आ रहा है, दैट इज द सेम इंजन विच इज ऑल्सो यू गाइज गेट इन CRV। वो जो इंजन है वो 120 PS की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 300 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। मैं जानता हूँ कि BHP थोड़े से नाजुक एंड पर ही है, बट मैं दोनों ही गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लूँगा। पहले चेकआउट करते हैं इसको एंड ये मैंने पहले इग्निशन को टर्न ऑन किया, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ बिकॉज दिस इज 6-way एडजस्टेबल सीट। सो CVT वेरियंट है जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, दिस इज द टॉप वेरियंट ZX वेरियंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सीट बेल्ट लगा ली जाए। सो दो मोड्स हमेशा की तरह यहाँ पर भी दिए गए हैं, जिसमें कि जैसा सके मैं इसको पहले ऑफ कर लूँ, हाँ, स्पोर्ट्स मोड एंड ड्राइव मोड। तो मैं पहले स्पोर्ट्स मोड पे डालता हूँ। स्पोर्ट्स मोड से याद आया कि यहाँ पर आपको पेडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है होंडा हमेशा की तरह एंड अमेजिंग IVTEC परफॉर्मेंस। इनिशियल पिकअप इज क्वाइट गुड, मैं तो इम्प्रेस हूँ। अच्छा, स्मूथनेस की तो जवाब नहीं है, होंडा का चाहे कोई भी इंजन हो तो स्मूथनेस बहुत बरकरार रहते हैं। ट्रांसमिशन की मैं बात करूं तो दिस इज अ CVT वेरिएंट, CVT ट्रांसमिशन के साथ में मैं चला रहा हूं। स्मूथ एंड सीमलेस एक्सेलरेशन है इस गाड़ी का, मज़ा आ रहा है चलाते समय एंड जो इसका स्टेयरिंग फीडबैक है वो उम्दा मैं कहूँगा, मतलब एक नंबर जैसे कहते हैं। स्टेयरिंग में मज़ा आ गया, हमेशा की तरह स्टेयरिंग मुझे ना सॉफ्टर एंड पे होता ना हार्डर एंड पे होता, कहीं बीच में कहीं ना कहीं फॉल करता है, बिल्कुल वैसा ही है। पेडल इसके बीच में डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं जो मुझे अच्छी लग रही हैं। ऑब्वियसली पेडल के बीच में डिस्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि लॉन्ग रन्स पे ऐसा होता है कि हमें, या फिर सिटी ड्राइव्स में हमेशा ऐसा होता है कि हमें बहुत जल्दी जल्दी पेडल्स को स्विच करना पड़ता है, यानी दबाना पड़ता है, चाहे वो क्लच पेडल हो ब्रेक पेडल हो। यहाँ पे तो क्लच पेडल ऑब्वियसली नहीं है, तो दो पेडल ही दिए गए हैं, तो दोनों पेडल के बीच में डिस्टेंस इनफ है। एक आपको यहाँ पर फेक पेडल भी मिलता है ताकि आप अपने लेफ्ट आर्म को रेस्ट कर सकें, हमेशा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ज़रूरत पड़ती है फेक पेडल की। अब मैं बात कर लूँ इसके जो गियर शिफ्टर है ना, ये जो नॉब है बहुत छोटी सी और क्यूट सी दी गई है, बाय गॉड मतलब मज़ा आता है देखने में इसको जिस तरीके से ये डिज़ाइन की गई है, और होंडा की वही कन्वेंशनल जिस तरीके से वो अपने इस लीवर को रखता है वह उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर अगर मैं दोनों ही पैर की डिस्टेंसेस की बात करूँ तो वो इसकी वॉल से टच ज़्यादा नहीं हो रहे, तो लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा परेशान करने वाला है। बिल्कुल अंदर से आके पुराने वाली सिविक की तो मुझे याद नहीं आई, पुराने वाली सिविक में इतने सारे मैसिव स्विचेज हैं, कोई किसी चीज़ का स्विच, उसमें एनालॉग डिजिटल दोनों तरीके का आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर मिलता है, यानी कि इन्फो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, इसमें केवल आपको डिजिटल ही मिलता है एंड इट इज़ अ कम्प्लीटली डिजिटल यूनिट। जो उसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है उसमें आपको डिजिटल ही टैकोमीटर दिया गया है, फ्यूल गॉज टेम्परेचर गॉज से लेके हर चीज़, MID ही कह लो आप इसको एक तरीके की, बहुत बड़ी MID है जिसमें आपको हर चीज़ डिजिटल ऑफर कर रहा है होंडा। ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूँ इसके इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की तो काफ़ी ब्राइटन है, तो अगर आप सनी डे में भी अगर यहाँ पर गाड़ी चला रहे हो तो मुझे लगता है यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आपको महसूस होगी। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब आप इस गाड़ी को चलाओगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ एक अच्छी जनरेशन की गाड़ी आप चला रहे हो, ज़्यादा यू नो एडवांस्ड लेवल गाड़ी आप चला रहे हो। इसका केवल मैं इसी चीज़ के लिए रीज़न नहीं बोल रहा, यहाँ पर आपको हिल लॉन्च असिस्ट मिलता है, ब्रेक असिस्ट मिलता है, इसके साथ साथ ब्रेक होल्ड जैसी फीचर मिलती है। ब्रेक होल्ड और हिल लॉन्च असिस्ट में इतना ही फर्क है कि हिल लॉन्च कुछ सेकंड्स के बाद में डीएक्टिवेट हो जाए, जबकि ब्रेक होल्ड जो है वो तब तक डीएक्टिवेट नहीं होगा जब तक आप थोड़ी सी डिस्टेंस कवर ना कर लें या फिर आप एक्सीलरेटर पेडल को दबा ना लें, उसके बाद वो डीएक्टिवेट होता है। एंड ब्रेक असिस्ट जो है वो एक वन टाइम स्विच है, यानी कि आप एक बार ब्रेक असिस्ट दबाओगे तो वो एक बार के लिए ही एक्टिवेट रहेगा, जबकि हिल लॉन्च असिस्ट आपकी मेमोरी अगर नहीं भी याद है कि हिल लॉन्च असिस्ट है कि नहीं है तब भी वो एक्टिवेट रहता है। तो ब्रेक असिस्ट ब्रेक होल्ड जो है वो मेरे ख्याल में एक अच्छा फीचर जरूर यहाँ पर ऐड ऑन किया है होंडा ने। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि जैसे मैंने लेफ्ट टर्न इंडिकेटर किया तो लेन स्विच कैमरा जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड लेन कैमरा स्विच जो है ना वो आप हमेशा भी एक्टिवेट रख सकते हैं, एंड उसका एक केवल बटन है जो आप टर्न इंडिकेटर का बटन है, यहाँ पर मैंने बटन दबाया एंड लेन कैमरा का जो
लेन कैमरा जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो गया हमेशा के लिए। ये तब तक एक्टिवेटेड रहेगा जब आप दोबारा से स्विच को टर्न ऑफ नहीं करते उसको, जहाँ से मैंने टर्न ऑफ कर दिया तो मैं चलो टर्न ऑन ही रखता हूँ उसको। राइट साइड में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिला जो इजिली विजिबल है। मैंने और बहुत सारी गाड़ियाँ देखी जैसे टाटा हैरियर है तो उसमें ऐसे झुक के देखना पड़ता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। होंडा का जो पुराने वाला डिफॉल्ट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वही स्विच यहाँ पर दिया गया है। स्टेयरिंग की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा स्टेयरिंग है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, मतलब चीज़ें कहीं पर भी खाली नहीं छोड़ी गई है। बस एक चीज़ से मुझे स्टेयरिंग में थोड़ी सी शिकायत है कि प्लास्टिक का यूज़ किया गया बटन्स में इंस्पाइट ऑफ रबर, जैसे कि जैज़ वगैरह है होंडा सिटी में रबर यूज़ किया जाता है तो प्लास्टिक क्या है ना हाथों में चुभने लग जाती है कभी कभार, ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन हाँ रबर जो है वो यहाँ पर एक अच्छा ऑल्टरनेट हो सकता था। थ्री स्पोक यहाँ पर आपको स्टेयरिंग व्हील मिलता है एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ गियर शिफ्टर्स की तो यहाँ पर पीछे ही दे गया है, उनकी पोजीशनिंग बहुत नॉमिनल है, बहुत अच्छी पोजीशनिंग यहाँ पर दी गई है। तो स्पोर्ट्स मोड में है तो मैं दोबारा से एक बार स्विच करता हूँ। स्विचिंग बहुत इजी है, मतलब मज़ा आता है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हाँ आप एक स्पोर्ट्स गाड़ी चला रहे हो ऐसा कुछ फील होता है। बाय द वे स्पोर्ट्स कार से याद आया कि इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत एरोडायनामिक डिज़ाइन किया गया है, जिस भी इंजीनियर ने उसको डिज़ाइन किया है चाहे वो फ्रंट का लुक हो चाहे वो रियर का लुक हो, मैंने बहुत सारे कैरेक्टर लाइंस या फिर एरोडायनामिक फिगर्स इसकी बॉडी में देखे जब मैं इसको रीड कर रहा था। पीछे भी गोपीला एक स्ट्रक्चर दिया गया है ताकि हवा को अच्छे से काट सके, एरोडायनामिकली ज़्यादा बिहेव कर सके। और मैं यहाँ पर बात करूँ टायर साइज़ की तो 250 रेडियल 17 इंचेस के टायर्स आपको यहाँ पर ऑफर करती है होंडा। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जब हैंडलिंग की बात आती है इस गाड़ी की हाईवे पर तो मुझे हैंडलिंग बहुत अच्छी लगी, मतलब कॉन्फिडेंस एक नंबर कॉन्फिडेंस आएगा आपको उस गाड़ी में ना, कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि हाँ मैं उस पर्टिकुलर एरिया से, या मान लो एक लेफ्ट साइड में गाड़ी है राइट साइड में गाड़ी है उन दोनों पर्टिकुलर के बीच में से मैं इस गाड़ी को नहीं निकाल सकता, ऐसा नहीं होगा। अब बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ अगर मैं इसमें से निकाल सकता हूँ तो मैं एंटर करूँगा इस गाड़ी को लेके। बहुत अच्छी मैनोवेबिलिटी से बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। इंजन का रेस्पॉन्स A1, NVH लेवल्स सुपर्ब, NVH बहुत अच्छी तरीके से NVH को कंट्रोल किया गया है, अंदर 1% की भी वाइब्रेशन नहीं है। इनफैक्ट मैंने इसके डीजल इंजन में जब मैं बैठा था, डीजल इंजन जब मैं गाड़ी मैंने देखी थी तो मैंने स्टार्ट करके देखी एंड बंद करा डोर क्लोज किया, इतने अच्छे तरीके से NVH मतलब ढाले गए थे गाड़ी के अंदर की मतलब मज़ा आ गया सच में देख के। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, वाइब्रेशन किसी तरीके की नहीं है। ब्रेक बहुत अच्छे दिए चारों तरफ ही आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, साथ ही ABS ऑब्वियसली विद EPD एंड ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स आपको यहाँ पर ऑफर करती है होंडा। अगेन जब ब्रेकिंग की बात आती है तो डीप और पैनिक ब्रेकिंग में ये गाड़ी घबराती नहीं है, तो मज़ा आता है जब आप गाड़ी को ब्रेक करते हो एंड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। सस्पेंशंस की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जब हम सस्पेंशंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली फ्रंट एंड रियर दोनों का ही कम्फर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब मैं सस्पेंशंस की इस गाड़ी की बात करता हूँ तो ये पॉट होल्स को ईजिली कवर कर लेती है। तो सस्पेंशन के मामले में A1 गाड़ी है, आपका कम्फर्ट जोन नहीं खराब होगा अगर आप सोते हुए उठते हुए गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं तो कम्फर्ट जोन आपका बिल्कुल खराब नहीं होने वाला। एक बहुत शानदार चीज़ मुझे लगी कि इसका जो कैमरा है लेन चेंज का या फिर रिवर्स का पार्किंग कैमरा जो है वो बहुत सही है, उसकी मतलब वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो वीडियो क्वालिटी को लेके आपको यहाँ पर समस्या नहीं आएगी, हमने टाटा की गाड़ी मैंने देखी तो टाटा की वीडियो क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कैमरे की। एंड अभी मैं यू टर्न मार रहा हूँ तो एक लिमिटेड पॉइंट तक ही ये गाड़ी कटी है, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी रिवर्स नहीं हुई। एंड तीन व्यू आपको मिलते हैं, टॉप व्यू बॉटम व्यू एंड वाइड व्यू, ये तीनों व्यू आपको मिलते हैं पार्किंग सेंसर्स के साथ में। ये की मैंने रिवर्स एंड देयर वी गो। 1.3 के टन्स की ये गाड़ी है, 1300 किलो की के करीब की ये गाड़ी है एंड व्हील बेस काफ़ी अच्छा है इसका। व्हील बेस बढ़ जाने से ना केवल आपकी हैंडलिंग इम्प्रूव होती है आपको लेग स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, लेग स्पेस की इस गाड़ी में कमी नहीं है। एक चीज़ जो मुझे कमी लगी वो थी रियर की हेडरूम की, यहाँ पर भी आपको देखो नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही ठीक ठाक सा ही मैं कहूँगा कि हेडरूम आपको मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट मेरे को पीछे का भी थोड़ा कम ही लगा, बहुत अच्छा अंडर थाई सपोर्ट नहीं था इस गाड़ी का। एंड This is all which I just want to share. ORVM's superb design, उनका A class है, A number design है ORVM का। So this was all what I just want to share with you. And
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों के साथ में. अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ.